इधर लगाना, इधर से लगाना तो लगा फंस दिया जाएगा। फिर रिड्यूसर क्या होता है, अगर अगर ये एक इंची है और ये आधा इंची यहाँ से निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? एक इंची कनेक्शन आ रहा है, आपको आधा इंची बनाना है तो बीच में आप जो लगाते हैं सॉकेट उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसर तो नहीं बोलते। रिड्यूसर हाँ, अच्छा आपके नए जमाने का नया शब्द है। अच्छा, आप क्या बोलते थे उसको? हम लोग सब पहले दूसरे हिसाब से करते थे। तो क्या कोई नाम तो होगा आपका? नाम साकेट जोड़ते थे हम लोग। हाँ, पतला साकेट। सॉकेट में दो मुंह आता था, एक इंच एक आधा इंच। क्या बोलेंगे उसको? आधा इंच और एक इंच आधा। इसको क्या बोलोगे? ये तो सर वो साकेट है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सर ज्वाइंट के लिए साकेट। आप इसको इतने बड़े को भी बोल रहे हो, इतने बड़े को कौन बोल रहे हो? ये सर ज्वाइंट के लिए है सर। इसको निप्पल बोलते हैं। निप्पल ज्वाइंट हम बताएंगे। निप्पल है ज्वाइंट के लिए। इधर हटिए, दूसरा आई भाई काम है इसको आपने ऑटोमेटिक साथ। और क्या प्रयोग होता है करने? काटन धागा। वेरी गुड। तो उसको कब तक टाइट करते हैं? जब तक अपना कोई चीज जगह पे लगा जाए। हाँ, उसको टाइट करने के लिए कौन से औजार का प्रयोग करते हैं आप? पाइप रिंच। हाँ भाई, आपके पास नहीं है? जहाँ में एक जाम लगी हुई एल्बो को खोलना होता है तो हमें क्या पाइप रिंच की जरूरत होती है? दो पाइप। दो एक किधर लगाते हैं? अगर नहीं खुल रही है तो उसके खोलने के लिए क्या क्या तरीके करेंगे आप? एक जाम है आपका, एल्बो जाम है, खोलना है आपको, क्या क्या करेंगे? तो खोलने के लिए सर नीचे कोई चीज रखी है, थोड़ा थोड़ा चोट पाए। ठीक, उसके बाद भी नहीं खुला फिर क्या करेंगे? चोट मारेंगे तो सर अगर पानी डाल देंगे। पानी डालेंगे। वेरी गुड। पानी क्यों डालते हैं? पानी डालेंगे थ्रेड में जाएगा तो यूज होगा। गुड, चलिए और कोई।